थे दोस्तों, आज मैं आपको थ्री डिफरेंट वेज टू वाटर योर सकलेंट्स बता रही हूँ। ये सब मेरे सकलेंट्स हेल्दी हैं। ये देखिए, अब कई तो मेरे पास 7-8 सालों से हैं, कोई 5 साल से, कोई 1-2 साल से। देखिए पीछे बास्केट्स भी हैं और ये मेरे बड़े बड़े पॉट में लगे हुए हैं। तो मैं किन तीन तरह से इनको पानी देती हूँ। कुछ ऐसे सकलेंट्स हैं जिनको ऊपर पानी डालना ठीक नहीं रहता, उनकी जो एचिवीरियाज हैं उनके ऊपर पानी के निशान पड़ जाते हैं, तो उनमें मैं इस तरह से साइड्स में पानी डालते हैं। जैसे ये सेम्पिवेरियम, ये देखिए चारों तरफ घुमा के पानी डालते हैं और तब तक पानी डालिए जब तक बॉटम से निकलना ना शुरू हो जाए। ये देखिए, ये भी है फ्लावर लाइक, इससे पत्तों में पानी नहीं जाता और उसके ऊपर पानी के निशान नहीं पड़ते। और दूसरा मेरा तरीका है ये बॉटम वाटर, ये किसी भी बड़े बर्तन में इस तरह से पानी को भर लें और उसमें आप कुछ ऐसे सकलेंट्स रखें जिनको आप लीफ पे पानी भी नहीं पड़े और वो अच्छे से, जैसे ये मेरे पास चॉकलेट सोल्जर है, ये एक फलन को ये और ये डेलोस्पर्मा रहमानी है। ये देखिए बिल्कुल बोन ड्राई है, ये सॉइल देखिए इसकी इस तरह से। अब मैं इसमें पानी भर दिया है देखना, थोड़ी देर में ही पानी बिल्कुल अपने ऊपर तक इसमें वेट हो जाएगा। और जो तीसरा तरीका मेरा पानी देने का, वो है जो बड़े पॉट हैं उनको मैं इस तरह से पूरा इसमें डिप कर देती हूँ। ये देखिए ये पानी जा रहा है और ये मेरा क्रिस्टलाव वाटर। इसमें भी और ये पूरा का पूरा इसमें डिप करके, जैसे ये दिख रहा होगा इसके बीच में पानी जा रहा है, इसको पड़ा रहने दे और ये जब इसमें बबल्स निकलने बंद हो जाते हैं तब आप इसको उठाइए और इस तरह से जितना पानी इसका निकल रहा है इसको उठा के रख दें। ये तीसरा तरीका, पूरा डिप करके इससे जिन पत्तों पे निशान नहीं पड़ते उनके लिए ये ठीक है। ये अब इसको महीनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इससे इनके पत्ते भी साफ़ हो गए। अब इसको भी, जैसे मूनस्टोन है तो मैं इनके पत्तों में पानी नहीं डालूँगी, ऊपर से इसको भी
बॉटम वाटरिंग करूँगी इसमें भी। तो ये मैंने आपको तीन तरीके बताए, एक तो फर्स्ट वाला पानी ऊपर से लेके इस तरह से डालना, इससे पत्तियां भी धुल जाती हैं जिनकी पत्तियों पे निशान नहीं पड़ते। और ये साइड से आप पानी भी डाल देते हैं। और ये दूसरा तरीका बॉटम वाटरिंग का, ये देखिए ये अभी इसमें पानी आ गया ऊपर तक। और तीसरा तरीका पूरे पॉट को बीच में डिप करके देने का। ये देखिए खूबसूरत फ्लावरिंग मेरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर, ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स। ये थे मेरे तीन तरीके सकुलेंट्स को वाटरिंग के। आपको जो भी पसंद आए उस हिसाब से आप वाटर कर सकते हैं। थैंक यू।